हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इसके पिछले वीडियोस में अपन ने देखा ट्रांजिएंट से रिलेटेड पूरी थ्योरी, इंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो चलिए इस वीडियोस में अपन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं ट्रांजिएंट से रिलेटेड, तो इससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन है, फाइंड रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट टी टेंड टू जीरो प्लस। मतलब ये कोई सर्किट आपको गिवन है, इसमें कैपेसिटर के अक्रॉस किस रेट से आपका वोल्टेज चार्ज हो रहा है, किस रेट से वोल्टेज आपका राइज हो रहा है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो ये सर्किट में आप देख सकते हैं, जैसा कि स्विच पहले टी टेंड टू जीरो माइनस पर स्विच ओपन है, स्विच क्या है, ओपन है। पर जैसे ही टी टेंड टू जीरो प्लस पर हुआ तो स्विच आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो जब टी टेंड टू जीरो माइनस पर आपका स्विच ओपन है, जब स्विच ओपन है तब कोई सोर्स कनेक्ट नहीं है आर और सी से, तो सी के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा इनिशियली, मतलब वी सी जीरो माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, जीरो वोल्ट, क्योंकि इनिशियली कोई वोल्टेज कनेक्ट नहीं है, कोई सोर्स कनेक्ट नहीं है, इनिशियली हो जाएगी इसकी वैल्यू जीरो वोल्ट, ठीक है। और जीरो प्लस किया तो टी टेन टू जीरो प्लस पर ये स्विच कनेक्ट हो जाएगा इससे, और कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज धीरे धीरे क्या हो जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस राइज होने लगेगा एक्सपोनेंशियली, तो वही अपन को रेट इसमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वोल्टेज की फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, वी टी इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल या जीरो प्लस इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो फाइनल में वोल्टेज कितना हो जाएगा, फाइनल में वोल्टेज जब स्विच आपका यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा तो स्टेडी स्टेट में आपका कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फाइनली ओपन सर्किट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। और जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो ये कहाँ तक चार्ज हो जाएगा, जितना इसका सोर्स वोल्टेज है, जितना इसका क्या है, सोर्स वोल्टेज है। तो मान के चलिए वी तक चार्ज हो गया, ये सोर्स वोल्टेज आपका 1 वोल्ट है, तो इसमें आप 1 वोल्ट तक ये फाइनली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनिशियल वैल्यू अपन ने कैल यहाँ पे भी फाइनल वैल्यू, तो वी तक इसमें चार्ज हो गया माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी है आपकी, 0 वोल्ट थी, इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाइम कॉन्स्टेंट कितना है आर सी, टाइम कॉन्स्टेंट आर सी। तो कितना हो जाएगा आपका, वी टी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका फाइनली, इसको आपने सॉल्व किया तो वी कॉमन आ जाएगा आपका, और 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आप कैपेसिटर की जस्ट चार्जिंग इक्वेशन आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जब कैपेसिटर के अक्रॉस सडनली कोई सोर्स कनेक्ट हुआ तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, धीरे धीरे राइजिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और कैपेसिटर के अक्रॉस राइजिंग की इक्वेशन मैंने आपको बता दी थी कितनी होती है, वी सी इक्वल्स टू वी वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो आप या तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, या ये मेन फॉर्मूला आपको याद है तो इससे भी आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं होगी, तो जैसा भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं। तो कैपेसिटर के अक्रॉस इक्वेशन हो जाएगी वी सी इक्वल्स टू वी वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये होगी चार्जिंग इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज, तो रेट इसका निकालने के लिए क्या निकालेंगे अपन, डी वी सी बाई डी टी, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तब इसका रेट निकाल पाएंगे, किस रेट से वोल्टेज कैपेसिटर में चार्ज हो रहा है। तो डी बाई डी टी ऑफ वी सी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका माइनस वी इंटू माइनस वन अपॉन आर सी ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी प्लस जीरो, इसका सिंपल जस्ट डिफरेंशिएशन किया अपन ने, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा और ये टर्म आ गया आपका ये वाला, तो डी वी सी बाई डी टी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल वी अपॉन आर सी ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब वो क्या पूछ रहा है, जीरो प्लस पर टी टेन टू जीरो प्लस पर, तो टी की वैल्यू अपन ने इसमें जीरो पुट की, तो वी जीरो प्लस पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, टी की वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो ई टू द पावर माइनस जीरो और ई टू द पावर माइनस जीरो की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, वन, तो ये वैल्यू वन हो गई, तो वी अपॉन आर सी हो गया, ये रेट हो गया वी अपॉन आर सी, फाइनली वोल्टेज कितना है सोर्स का, वन वोल्ट, तो वी की वैल्यू हो जाएगी वन, तो वन अपॉन आर सी। तो ऐसे आप इसमें रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ठीक है।
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा, फाइंड डी आई वन बाई डी टी एट टी टेन टू जीरो प्लस पर। ये कोई सर्किट आपको गिवन है, टी टेन टू जीरो प्लस पर डी आई वन बाई डी टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आई वन कौन सा करंट है, इंडक्टर के अक्रॉस ये करंट गिवन है आई वन, ठीक है। तो जैसा कि आप इसमें देखते हैं, देख रहे हैं कि स्विच आपका टी टेन टू जीरो माइनस पर क्या है, जीरो माइनस पर स्विच आपका ओपन है, जीरो माइनस पर स्विच आपका ओपन है, और जैसे ही जीरो प्लस होगा तो स्विच आपका क्लोज हो जाएगा। तो पहले अपन बात करते हैं जीरो माइनस की, तो टी टेन टू जीरो माइनस पर स्विच आपका ओपन है। तो जब ये स्विच आपका ओपन है तो ये सर्किट आपका हट जाएगा, सिंपल सर्किट बचेगा कितना 20 ओम, ये 100 वोल्ट का सोर्स और ये 20 ओम, और ये इंडक्टर, इंडक्टर सोर्स से डायरेक्ट कनेक्ट है क्योंकि अभी तो टी टेन टू जीरो माइनस पर ये स्विच नहीं है, इसमें ये सर्किट ही नहीं है स्विच वाला। तो सोर्स डायरेक्ट इंडक्टर से कनेक्ट है और सोर्स डायरेक्ट कैपेसिटर से भी कनेक्ट है। तो जब सोर्स लॉन्ग टर्म से इंडक्टर और कैपेसिटर से कनेक्ट है तब क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट में आपका इंडक्टर क्या हो जाएगा, फाइनली इंडक्टर आपका हो जाएगा शॉर्ट सर्किट और कैपेसिटर फाइनली हो जाएगा आपका ओपन सर्किट। तो ये सोर्स बहुत देर से कनेक्ट है इंडक्टर और कैपेसिटर से, तो इंडक्टर और कैपेसिटर अपने स्टेडी स्टेट वैल्यू पर होंगे, तो इंडक्टर हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट टी टेन टू जीरो माइनस पर और कैपेसिटर हो जाएगा आपका ओपन सर्किट। तो फाइनली सर्किट हुआ आपका ये स्टेडी स्टेट पर, ठीक है। तो इसमें आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सर्किट में, एट टी टेन टू जीरो माइनस सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट और कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट। तो कैपेसिटर जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा VC, और इंडक्टर जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इंडक्टर के अक्रॉस कोई IL जीरो माइनस करंट फ्लो हो रहा होगा। तो ये अपन इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो IL जीरो माइनस कितना हो जाएगा, I इक्वल्स टू, ये तो ओपन सर्किट है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा इस सर्किट में, तो IL जीरो माइनस हो जाएगा V अपॉन R। तो V है 100 अपॉन 20 प्लस 20, तो 2.5 एम्पियर हो गया IL जीरो माइनस की वैल्यू। और VC जीरो माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VC जीरो माइनस सिंपल आपका यही वाला वोल्टेज है जो 20 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो ये वोल्टेज आप कैसे निकाल सकते हैं, करंट आपने 2.5 निकाल लिया, ठीक है, और रेजिस्टेंस है इतना, तो VC इक्वल्स टू I इंटू R, 20 इंटू 2.5, तो 50 वोल्ट हो गया VC जीरो माइनस की वैल्यू। अब अपन ने क्या किया, सर्किट में जस्ट टी टेन टू जीरो प्लस पर जो स्विच आपका यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ था, ये आपका ओपन था पहले, ये नीचे एरो था, और जीरो प्लस पर क्या हुआ, स्विच सडन क्लोज हो गया, जीरो प्लस पर स्विच क्लोज हो गया। तो जब ये स्विच क्लोज हो जाएगा तो ये एक शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, तो 20 ओम का रेजिस्टेंस ही हट जाएगा उस टाइम से, ठीक है। और जो इंडक्टर के अक्रॉस करंट था वो जो जीरो माइनस पर था वही करंट जीरो प्लस पर भी होगा, तो 2.5, क्योंकि इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट। और जो कैपेसिटर के अक्रॉस जीरो माइनस पर वोल्टेज होगा वही जीरो प्लस पर भी वोल्टेज होगा, तो 50 हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंजेस ऑफ वोल्टेज। तो आई एल जीरो प्लस 2.5 और वी सी जीरो प्लस 50, ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो अब सर्किट फिर से ड्रॉ किया अपन ने, तो जब ये स्विच आपका शॉर्ट सर्किट हो गया था तो 20 ओम का जो रेजिस्टेंस था वो नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसके पैरेलली में शॉर्ट सर्किट आ गया, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ये वाला पाथ, ठीक है। और जो कैपेसिटर था उसको अपन ने 50 वोल्ट से डिनोट कर दिया, 50 वोल्ट से उसका जो वोल्टेज था इनिशियल वोल्टेज उससे डिनोट कर दिया, और इंडक्टर को एक करंट सोर्स से डिनोट कर दिया 2.5 एम्पियर जो करंट उससे फ्लो हो रहा था, ठीक है। तो अब अपन इसमें देख सकते हैं कि जब 2.5 एम्पियर इसमें फ्लो हो रहा था और ये था यहाँ पे 100 वोल्ट, तो इस 20 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, 20 इंटू 2.5, तो 50 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ से ग्राउंड तक का टोटल वोल्टेज कितना है 100, तो 50 यहाँ ड्रॉप हो गया, तो 2.5 के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा आपका 50 वोल्ट, ठीक है। और कैपेसिटर का वोल्टेज आपको पता ही है यहाँ पर 50 वोल्ट, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है इसमें, VL, VL अपन कैलकुलेट करते हैं इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज। तो VL होता है आपका LdIdt, तो VL की वैल्यू कितनी है आपको 50 वोल्ट पता है, और L की वैल्यू थी 1 हेनरी, और Di1/dt, तो Di1/dt आपको कितना हो जाएगा 50 एम्पियर पर सेकंड। यही आपको इसमें कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ राइज ऑफ करंट Di1/dt। तो आपने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। एट टी टेन टू जीरो माइनस स्टडी स्टेट इन द अबव सर्किट फॉर डीसी सोर्स इंडक्टर बिहेव एज शॉर्ट सर्किट एंड कैपेसिटर बिहेव एज ओपन सर्किट। तो ठीक है, ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस द स्विच एट टी टेन टू जीरो प्लस पर। ये कोई सर्किट आपको गिवन है, इसमें क्या बोला गया है कि वोल्टेज फाइंड करना है अक्रॉस द स्विच के अक्रॉस कितना वोल्टेज है एट टी टेन टू जीरो प्लस पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कि स्विच टी टेन टू जीरो माइनस पर स्विच आपका क्लोज है, टी टेन टू जीरो माइनस पर स्विच क्लोज है। जैसे ही टी टेन टू जीरो प्लस हो गया स्विच आपका ओपन हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो एट टी टेन टू जीरो माइनस पर देखते हैं स्विच इज क्लोज, स्विच जब क्लोज था तो ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, और जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा टोटल शॉर्ट सर्किट, ये आप हटा सकते हैं इसको, टोटल हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। और जब शॉर्ट सर्किट ये था जीरो माइनस पर, तो ये सोर्स डायरेक्टली इंडक्टर से कनेक्ट था बहुत लंबे समय से इंडक्टर से ये सोर्स कनेक्ट था, तो इंडक्टर हो जाएगा अपनी स्टेडी स्टेट में। तो इंडक्टर क्या होता है स्टेडी स्टेट में, शॉर्ट सर्किट। तो इंडक्टर हो जाएगा जीरो माइनस पर शॉर्ट सर्किट। तो आई एल जीरो माइनस की वैल्यू आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, आई एल जीरो माइनस हो जाएगा सिंपल वी अपॉन आर, तो 10/10, तो 1 एम्पियर हो जाएगा इसमें आई एल जीरो माइनस की वैल्यू। और वी सी जीरो माइनस की वैल्यू, कैपेसिटर तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वी सी जीरो माइनस की वैल्यू थी जीरो, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर कोई चार्ज नहीं है, ये शॉर्ट सर्किट है। तो आई एल जीरो माइनस और वी सी जीरो माइनस की वैल्यू अपन ने ऐसे कैलकुलेट कर ली। तब टी टेन टू जीरो प्लस पर देखते हैं, टी टेन टू जीरो प्लस पर क्या हुआ, स्विच आपका ओपन हो गया और जो कैपेसिटर था उसको आपने जीरो से डिनोट कर दिया, तो शॉर्ट सर्किट हो गया कैपेसिटर। और इंडक्टर जो था उसको आपने करंट से डिनोट कर दिया, तो 1 एम्पियर जो करंट आया था। अब स्विच के अक्रॉस अपन को वोल्टेज कैलकुलेट करना था, मतलब V, तो स्विच के अक्रॉस उतना ही वोल्टेज है जितना कि 5 ओम के अक्रॉस है। तो सिंपल आपको ये वोल्टेज कैलकुलेट करना है 5 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो जब इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, करंट सीरीज में हमेशा सेम रहता है, तो इसमें जब सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, 1 × 5 यानी 5 वोल्ट। तो स्विच के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा आपका 5 वोल्ट। तो ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एट टी टेन टू जीरो माइनस स्टडी स्टेट पर इन द अबव सर्किट कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड एंड फॉर डीसी सोर्स इंडक्टर बिहेव शॉर्ट सर्किट, ठीक है।